खबर रीवा जिले से है, जहां फर्जी नाम से रजिस्ट्री करवाकर दूसरे का मकान बेचने वाले जालसाज को गिरफ्तार करने में पुलिस को 5 साल लग गए। फिलहाल पूछताछ कर उससे अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। आपको बता दें कि समान निवासी विनय सिंह पिता भागीरथ सिंह ने शांति विहार में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकान बुक करवाया था। 15 साल किस्त भी जमा की, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। आरोपी प्रेम सिंह ने एक व्यक्ति को विनय सिंह बताकर उनका यह मकान दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इतना ही नहीं, फर्जी पैन कार्ड की मदद से रजिस्ट्री भी करवा दी थी। पीड़ित को इस बात की भनक लगी तो सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2017 में पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन रजिस्ट्री कराने वाले की पहचान नहीं हो पाई थी। अंगूठे के निशान सर्च किए गए तो मणिकवाड़ निवासी विवेक सिंह पिता अभय राज सिंह का नाम सामने आया। वह राजस्थान के अलवर जिले में रहता था, लिहाजा पुलिस टीम अलवर पहुंचकर अंगूठे के निशान मैच कराए और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से जेल भेज दिया गया है। आपको सुनाते हैं पूरी कार्यवाही के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने क्या जानकारी दी है। थाना सिविल लाइन का एक अपराध क्रमांक है 536/17, जिसमें 426/67 के तहत एक अपराध पंजीबद्ध था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में उक्त मामले को विवेचना में लिया गया था। काफी गंभीरता से प्रयास किए गए। इसमें इस तथ्य का प्रकाश में नहीं आ पा रहा था कि एक्चुअल में जो फर्जी व्यक्ति खड़ा हुआ है विनय सिंह की जगह में, क्योंकि विनय सिंह रजिस्ट्री कराए नहीं थे, तो विनय सिंह की जगह में कौन व्यक्ति खड़ा हुआ, ये तथ्य प्रमाणित करना और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना कठिन हो गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष टीम का गठन किया था। उस टीम के द्वारा ये पता किया गया कि एक्चुअल में ये व्यक्ति कौन है। फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई किया गया और ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। काफ़ी मशक्कत के बाद तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पाया गया कि विवेक सिंह नाम का एक व्यक्ति है, जो विनय सिंह बनकर और अपना फर्जी पैन कार्ड बनाकर उस मामले में रजिस्ट्री करा लिया हाउसिंग बोर्ड से स्वयं के नाम, और कुछ समय अंतराल बाद उस रजिस्ट्री को, उस प्रॉपर्टी को एक अन्य व्यक्ति के नाम पर सेल कर दिया गया। जिस खाते पर सेल हुआ था उसकी भी डिटेल जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि एक अन्य व्यक्ति है प्रेम सिंह, जो उस खाते में लिंक था, उसका नंबर, उसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसे गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है। इसमें हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन की क्या भूमिका है, इसमें रजिस्ट्री कार्यालय की क्या भूमिका है और अन्य लोगों की क्या क्या संलिप्तता है, अभी इसमें जाँच की जा रही है। अभी इसमें 5-6 आरोपी हैं, लेकिन अभी 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष के लिए अभी यदि प्रमाण पाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी और अन्य आरोपी भी बन सकते हैं।